इस साल 2020 में बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में रिलीज होंगे जिसमें हर तरह के फ्लेवर वाला फिल्म होंगे। तो दोस्तों आज मैं 2020 बॉलीवुड की फरवरी में आने वाले 10 फिल्म के डिटेल्स में बताने वाली हूँ और ये जानने के लिए वीडियो शुरू से तक जरूर देखना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर 1 मलांग। ये एक रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट करी है मोहित सूरी ने और इसमें आदित्य राय कपूर, दिशा पटानी, अनिल कपूर और कुनाल खेमू लीड रोल में है। इसमें एक यंग इंट्रोवर्ट लड़का अद्वैत और एक फ्री स्पिरिटेड लड़की सारा के बीच में प्यार को दिखाई गई है। इस फिल्म का हर एक पोस्टर फैंस ने काफी पसंद की है, स्पेशली दिशा पटानी और आदित्य राय कपूर का वो पैशनेट किस वाला पोस्टर लोगों का मन में एक अलग ही जगह बना कर रखी है। और बता दो दोस्तों मलंग मूवी रिलीज होगा 7 फरवरी 2020 में। नंबर 2 शिकारा द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीरी पंडित। एक हिस्टोरिकल ड्रामा रोमांटिक फीचर फिल्म है जिसको डायरेक्ट करी है विधु विनोद चोपड़ा और इसमें आदिल खान और सादिया लीड रोल में है। इसमें कश्मीरी पंडित का जर्नी को दिखाया जाएगा। इस फिल्म पे दोनों फ्रेश कपल नजर आएंगे और इसमें काफी हिस्टोरिकल एसेंट भी देखने को मिलेगा। और शिकारा मूवी रिलीज होगा 7 फरवरी 2020 में। नंबर 3 हैक्ट। ये एक थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट करी है विक्रम भट्ट ने और इसमें हीना खान, रोहन शाह, मोहित मल्होत्रा लीड रोल में है। इसमें एक लड़का और एक ओल्डर लड़की के बीच में प्यार को दिखाई गई है पर बाद में एक ऑब्सेशन बन जाते हैं। इसमें डिजिटल वर्ल्ड की डार्क साइड और साथ ही साथ साइबर क्राइम का डेंजरस साइड को देखने को मिलेगा और फिल्म रिलीज होगा 7 फरवरी 2020 में। नंबर 5 लव आजकल। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट करी है इम्तियाज अली ने और इसमें कार्तिक आर्यन और सारा अली खान लीड रोल में है। इसका ट्रेलर रिलीज हुई है और फैंस से काफी मिक्स्ड रिव्यू मिल रही है क्योंकि लोगों ने सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण स्टारर 2009 का लव आजकल फिल्म से इस फिल्म का कंपेयर कर रही है और इसमें दोनों के बीच में न्यू जनरेशन वाला प्यार को हाईलाइट करके दिखाया जाएगा। पर पहली बार कार्तिक आर्यन और सारा अली खान इन दोनों लव बर्ड को ऑन स्क्रीन पर देखने के लिए फैंस ने काफी एक्साइटेड है। क्या आप भी एक्साइटेड है कमेंट करके बताना। और ये फिल्म रिलीज होगा 14 फरवरी 2020 यानी कि वैलेंटाइंस डे में। नंबर 6 भूत पार्ट 1 द हॉन्टेड शिप। ये एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट करी है भानु प्रताप सिंह ने और इसमें विकी कौशल और भूमि पेडनेकर लीड रोल में है। इसका स्टोरी मुंबई के एक ट्रू एक्सीडेंट पर बेस्ड है। इसमें एक शिप बीच में अटक जाते हैं और फिर हॉरर थ्रिलिंग शुरू होता है और इसमें एक कपल का स्टोरी को हाईलाइट करके दिखाया जाएगा और इसमें विकी कौशल का नया लुक फैंस को काफी इम्प्रेसिव लगा है। और ये फिल्म रिलीज होगा 21 फरवरी 2020 में। नंबर 7 शुभ मंगल जायदा सावधान। ये एक सोशल कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट करी है हितेश कवाला ने और इसमें आयुष्मान खुराना और जितेंद्र कुमार लीड रोल में है और इन दोनों के बीच में प्यार का रिलेशनशिप को इसमें दिखाया जाएगा और साथ ही साथ इसमें नीना गुप्ता गजराज राव भी होंगे। और ये फिल्म 2017 का सोशल कॉमेडी फिल्म शुभ मंगल सावधान का सेकेंड इंस्टॉलमेंट है और इसका स्टोरी होमोसेक्सुअलिटी पर बेस्ड है। इसमें गे बेटा को उसका फैमिली कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं वही इसमें दिखाया जाएगा और ये फिल्म रिलीज होगा 21 फरवरी 2020 में। यानी कि विकी कौशल और आयुष्मान खुराना के बीच में 21 फरवरी बॉक्स ऑफिस पर होंगे क्लैश। नंबर 8 द 100 बक्स। ये एक ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट करी है दुष्यंत प्रताप सिंह ने और इसमें कविता त्रिपाठी और दिनेश वावरा लीड रोल में है। इसमें एक लड़की के सोसाइटी में ड्रामेटिक स्टोरी को दिखाया जाएगा और ये फिल्म रिलीज होगा 21 फरवरी 2020 में। नंबर 9 थप्पड़। ये एक ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट करी है अनुभव सिन्हा ने और इसमें तपस्या पान्नू और पवाली गुलाती लीड रोल में है और इसी के साथ तपस्या पान्नू और अनुभव सिन्हा की ये सेकंड कोलैबोरेशन होंगे। इससे पहले इन दोनों ने मिलकर 2018 में मूर्ख जैसा क्रिटिकली एक्लेम्स वाला फिल्म में ले चुके हैं और ये एक वुमेन सेंट्रिक फिल्म है, वुमेन एम्पावर को दिखाया जाएगा और ये फिल्म रिलीज होगा 28 फरवरी 2020 में। नंबर 10 गांस ऑफ बनारस। ये एक एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट करी है शिखर सूरी ने और इसमें करण नाथ लीड रोल में है। ये 2007 धनुष स्टेरर तमिल सुपरहिट एक्शन फिल्म पुल्ला धवन का हिंदी रिमेक है और इस फिल्म का पोस्टर लोगों ने काफी पसंद किया है और ये फिल्म रिलीज होगा 28 फरवरी 2020 में। तो दोस्तों ये रहा 2020 में फरवरी में आने वाले फिल्म के बारे में। इन सभी फिल्मों से कौन सी फिल्म के लिए आपको इंतजार रहेगा कॉमेंट करके बताना और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सर की बॉलीवुड और साउथ इंडियन मूवीज अपडेट पाने के लिए मलिशा जरीन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।